अभी मैं हूँ देहरादून में, कल गंगा आरती अटेंड करने के बाद मैं सीधा दोस्त के कमरे पे आ गया था यहाँ पे। रात को निकला वहाँ से 8 बजे, तो तबीयत ख़राब हो गई बाइक में, ठंड लग गई खतरनाक वाली, और जुकाम बहुत बढ़िया वाली लग गई। मतलब फिलहाल थोड़ा सा वीक फील कर रहा हूँ, सुबह से कुछ खाया भी नहीं, नाश्ता भी तो फिलहाल, पर अभी मैं नहाता हूँ और देन मैं खाना वगैरह खा के सीधा निकलता हूँ हरिद्वार के लिए, और हरिद्वार मिलते हैं आप लोग को सीधा, और शायद मैं तब तक ठीक हो जाऊँ थोड़ा सा नहा धो के और फ्रेश हो के, तो मिलते सीधा हरिद्वार। तो हरिद्वार पहुँच चुके हैं, शर्मा जी हमारे दोस्त बचपन के मुझसे बैठे हैं और हमारे खाना लेके आए हैं, तो खाना खुना खाते हैं और फिर शाम से एक्सप्लोर, अभी से एक्सप्लोर कर रहे हैं पर शाम से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। खाना देखिए नॉर्मल सा दिन, और शाकंभरी देवी आए थे और दर्शन किए, अब निकलते हैं, बाकी कल से करते हैं सिनेमैटिक पे काम। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय जब 14 रत्न निकले थे, तो जब अमृत निकला था तो भगवान विष्णु का जो वाहन था गरुड़, उसने अपने पंजों में उस अमृत कलश को उठाया, और जब उड़ने लगे राक्षसों से बचाने के लिए, तो वो भारत में 4 जगह वो जल गिरा था, एक हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयाग, इसीलिए इन जगहों पर भूख लगता है। और जहाँ हरिद्वार में वो जल गिरा था वो स्थान वो है, वो वाली जगह पे अमृत गिरा था ना, उस वाली जगह पे जो बिल्कुल सेंटर में है, जो टेम्पल है वहाँ पे अमृत गिरा था, और इसीलिए इस स्थान की विशेष मान्यता है। हाँ, मैं सोच रहा था कि अब भीड़ होगी नहीं, खाली होगा सुबह सुबह, पर यहाँ पे बहुत बढ़िया वाली भीड़ है और कुछ नज़ारे ऐसे अच्छी पानी के। हरिद्वार, हरि का द्वार या हर का द्वार, इसके दो अभिप्राय हैं। हर का द्वार जो शैव संप्रदाय के मतानुयायी हैं या जो शिव की आराधना करते हैं, वो लोग इसे हर का द्वार, हर मतलब शिव का द्वार, शिव की प्राप्ति तक पहुंचने का द्वार इसे मानते हैं। और जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, वैष्णव संप्रदाय मतलब भगवान विष्णु की आराधना करने वाले लोग जो हैं, वो इसे हरि का द्वार, हरि मतलब भगवान विष्णु का द्वार, भगवान विष्णु तक पहुँचने का मार्ग इसे बताते हैं। फिलहाल हरिद्वार हर की पैड़ी एक्सप्लोर हो चुका है हमारे लिए, हर की पैड़ी, क्योंकि महादेव को ज़्यादा मानते हैं, तो हमारे लिए हर का द्वार। फिलहाल अब चलते हैं, खाना वाना खाते हैं, नाश्ता नुश्ता करते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं मनसा देवी, और यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है पीछे से, काफ़ी अच्छा है, हरिद्वार का व्यू बहुत अच्छा आता है यहाँ पे, और सनसेट के टाइम पे आ सकते हैं यहाँ पे, तो और भी एपिक सीन रहते हैं। अभी सनसेट हो नहीं रहा, हम थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, फिर हम मंदिर से आएंगे, देन हम सनसेट भी कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ से ऊपर का रास्ता है और थोड़ा चढ़ाई है हल्की फुल्की, फिर भी देखते हैं। क्यों भी के? जी ये कुछ रॉ सीन है, मतलब ऊपर पे टेंपल है मनसा देवी का, और हम यहाँ पे एक पास पे एक चोटी थी तो हम यहाँ पे आ गए, वहाँ पे थोड़ा भीड़ भी थी तो फिर हम इस साइड आ गए, और यहाँ से कुछ अच्छे नज़ारे हैं, मतलब अगर प्लेन्स में ऐसे छोटे मोटे पहाड़ मिल जाएँ तो अच्छा लगता है। वो वाला जंगल चीला है ना, वो पूरा चीला है, मतलब राजा जी भी आता है वो ही ना, राजा जी के ही अंतर्गत है। हाँ, राजा जी के अंदर है ना चीला, वो चीला तो महराज। हाँ, हरिद्वार मेरे को ऐसे काफ़ी पसंद आया। हाँ, यहाँ से कम से कम 7 भागों में बहती गंगा, यहाँ से 7 भागों में अलग अलग भेजा दी, लगभग मैदानी भाग, काफ़ी खुला है, मतलब हरिद्वार ऐसा नहीं कंजेस्टेड है, बीच बीच में काफ़ी खुली जगह है, आगे भी पूरा हर हरिद्वार है और इधर पूरा इस साइड को भी हरिद्वार, और खुली सी जगह है हरिद्वार में, जैसे मतलब बीच बीच में तुम्हें प्लॉट्स दिख जाएंगे, बड़े बड़े मतलब खेत दिख जाएंगे, मैदान दिख जाएंगे खाली खाली, एंड सही है, मतलब अगर घूमने आ रहे हो तो आ सकते हो, एज अ मतलब अगर मतलब श्रद्धालु होके आओगे तो अच्छा फील होगा, और अगर एज ए टूरिस्ट आओगे तब भी शायद अच्छा फील हो, बट एज मतलब अगर आओ तो थोड़ा सा साधना के साथ आओ तो हरिद्वार तुम्हें भा जाएगा। और ये कुछ सनसेट के सीन्स हैं।